केशवगंज प्रतापनगर के अष्टभुजा दुर्गा देवी मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा चल रही है। कथा उत्सव में चौथे दिन व्यासपीठ से पंडित अरविंद शास्त्री महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की मनोहारी कथा का श्रवण कराया। केशव कुंज प्रताप नगर के अष्टभुजा दुर्गा देवी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा उत्सव में चौथे दिन व्यासपीठ से पंडित अरविंद शास्त्री महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जन्म की मनोहारी कथा का श्रवण कराया। भगवान के जन्म की कथा पर भक्त झूमने पर मजबूर हो गए। श्रीमद् भागवत कथा उत्सव में यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे मनीष वर्मा ने कहा कि यह उनके ऊपर प्रभु की असीम अनुकंपा है कि वह इस आयोजन को करा रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्म भगवान जी का जन्म हुआ है और इसका बड़ा ही हमने हर्षोल्लास से इस जन्म को मनाया है और साथ में हमारी महिला कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा है प्रताप नगर केशव कुंज में। बहुत अच्छा लगा और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम सब ने कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया। हम सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद की अनुभूति हुई, सब लोगों के सहयोग से बहुत आनंद महसूस किया। श्रीमद् भागवत कथा उत्सव में शामिल पूर्व पार्षद क्षमा जैन सक्सेना ने कहा कि मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा उत्सव का आयोजन पुरुषोत्तम मास में किया जा रहा है। इस महीने में भागवत कथा का काफी महत्व होता है। देखिए, ये केशव कुंज प्रतापनगर जयपुर हाउस में हमारा अष्टभुजा मंदिर है। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। अधिक मास जो हमारे सनातन धर्म का बहुत ही महत्व माना जाता है, इस माह में यहाँ हमारा बहुत ही अखिल शास्त्री जी यहाँ पर भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। 23 जुलाई से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा 30 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।